Yo, what is up guys? Welcome back to another video. So guys, आज जो हम फार्म बनाने वाले वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. डिफिकल्ट मीन्स गाइज वो स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट नहीं होगा, एक्चुअली उसके अंदर जरूरत होती है विलेजर की. और गाइज विलेजर को हैंडल करना मतलब आप जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके नखरे देखो यार, मतलब एक जगह जाना ही नहीं है. और पॉकेट एडिशन के अंदर अगर आपको फार्म बनाना है, स्पेशली आयरन फार्म, तो आपको बहुत ज्यादा विलेजर की नीड होती है, क्योंकि 10 विलेजर एक आयरन गोलम को स्पॉन करते हैं. तो हमें जरूरत होगी 20 विलेजर की, क्योंकि मैं बड़ा फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एट अ टाइम 2 आयरन गोलम मिल सकते हैं गाइज. इससे पहले भी हमने एक आयरन फार्म बनाया था गाइज, बट वो डिफरेंट था, वो भी 20 विलेजर का था, बट वो जो है काफी ज्यादा हार्ड था. वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे उसकी वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर रहे हैं, वहां पे सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे. जैसे कि शटर पैक्स के बारे में बहुत बंदे पूछ रहे थे गाइस, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पे सभी शटर के लिंक्स विद डाउनलोड लिंक्स आपको मिल जाएंगे उस वीडियो के अंदर. और गाइस ये जो आयरन फार्म है ना, वो मैं यहां पे नहीं बनाने वाला, क्योंकि अगर मैं उन विलेजर को मतलब 20 विलेजर यहां पे लेके आऊंगा तो मेरी क्या ही हालत हो जाएगी, आप खुद सोच सकते हो यार. मतलब इतना रेल तो अभी मेरे पास है नहीं, बट स्टिल अगर मैंने बहुत सारी मेहनत करके बना भी ली तो क्या ही फायदा है. तो मैं सोच रहा हूं वहां पे ही बनाऊंगा जहां पे हमारा विलेज है, तो वहां से बस मुझे आयरन लेके आना होता है, तो आराम से मैं कर सकता हूँ. तो फटाफट से चलते गए अभी हमारे विलेज के साइड पे. तो चलो गाइस हम फाइनली पहुंच गए, बहुत ही इजी रास्ता है, बस सीधे ही मुझे भागना होता है. और ये क्या मजाक है यार, ये बड़े कैसे नहीं, शायद मुझे यहाँ पे ऑनलाइन रहना पड़ता है तभी इनकी ग्रोथ होती है. चलो कोई नहीं, ये बढ़ जाएंगे, तब तक मैं बेसिक उसका स्ट्रक्चर तो बना ही लेता हूँ. और मुझे बेड की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो मे बी यहाँ पे विलेज के अंदर बेड है, या फिर मेरे पास उल तो होगा, मैं बना लूंगा. चलो कोई नहीं, तो मैं उससे 100 ब्लॉक तक दूर आ चुका हूँ, क्योंकि ये वाले विलेजर वो वाले जॉब नहीं लेने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे मैं भी सही रहेगा. और ये किस तरह का स्ट्रक्चर है यार, छोड़ो, यहाँ पे मैंने चेस्ट लगा दिया. अभी सबसे पहले तो उसका किलिंग चेंबर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे इसके पीछे हॉपर लगाने होंगे, 4 हॉपर की नीड होगी बेसिकली. और इसके साइड में मैं क्या करूँगा, एक वॉल की लेयर बनाऊंगा. तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना है, अभी मेरे पास स्टोन ब्रिक है, क्योंकि स्पेशली मैं इसके लिए बना के ले गया हूँ. चलो ये तो हो चुका है, अभी मुझे इसके ऊपर 3 लेयर तक लेके जाना है. तो ये 3 लेयर सभी को मैं फटाफट से 3 लेयर तक लेके आ जाता हूँ यहाँ पे. बस ये अभी होने ही वाला है. तो अभी चेस्ट के ऊपर अगर मैं ये ब्लॉक लगा दूंगा तो चेस्ट ओपन नहीं होगी. तो यहाँ पे मैं ग्लासेस का यूज कर लेता हूँ. इन ग्लासेस का एक और फायदा होगा, मुझे बाहर से विजिबल रहेगा कि अंदर चीजें किस तरह से हो रही है, ये लावा जो है एकदम सही से काम कर रहा है या नहीं. क्योंकि किलिंग चैम्बर हम बेसिकली लावा का ही बना सकते हैं, या फिर मैग्मा ब्लॉक. मैग्मा ब्लॉक से बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइन बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर ही लावा जाएगा, और साइन बोर्ड ये काम करेंगे लावा नीचे नहीं जाने का, मतलब वो प्रिवेंट करेंगे लावा को नीचे जाने से. तो चलो ये हो चुका है, अभी बस मैं 2 बाल्टी लावा लेके आ चुका हूँ. तो इसके ऊपर बस मुझे लावा डालना है इस तरह से एकदम सही से. और नाइट भी हो रही है, मुझे जल्दी डे करना पड़ेगा, वरना यार ज़ॉम्बी बहुत परेशान करते हैं, और ऐसा कुछ काम करेंगे तो बहुत दिक्कत देते हैं. तो चलो गाइस देख सकते हो कितना सही लग रहा है. और ग्लासेस को देखो यार, बाकी सब छोड़ दो, ग्लासेस देखो कितने ट्रांसपेरेंट है. ये एक्चुअली टेक्सचर पैक की वजह से हो रहा है गाइस. इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो आप चेकआउट जरूर करना अगर आपको ये टेक्सचर पैक डाउनलोड करना है. तो चलो अभी ऊपर चलते हैं. अभी इसके ऊपर भी मुझे क्या करना है, 3 लेयर ऊपर लेके आना है, ये 1, ये 2 एंड ये 3. फाइनली मुझे इस तरह से सभी साइड को करना है. और अभी जो ग्लासेस वाली साइड है वहां पे मैं बेसिकली कोई भी ब्लॉक यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो ग्लासेस यूज करें कोई सेंस बनता नहीं है. अगर चाहो तो यूज कर सकते हो, बट ठीक है मैं नहीं यूज कर रहा हूँ अभी. और अभी मैं क्या करूंगा, एक साइड में 5 ब्लॉक दूर लेके जाऊंगा, मतलब इसका विड्थ तो जो है 5 ब्लॉक की होगी. मीन्स जहाँ पे वाटर का फ्लो होने वाला है ना, वो एक रेक्टेंगल होगा. तो इस साइड से भी मैं 5 ब्लॉक दूर आ जाता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको मुझे ज्वाइन करना होगा. और दूसरे साइड में मुझे 4 ब्लॉक दूर जाना है. ओके ये 5 का हो गया, अब इस साइड में 4 का जाऊंगा, ये 2, ये 3 एंड ये फाइनली 4. अब मुझे सेम इसके अपोजिट में जाना है 4 ब्लॉक दूर. मेरे पास स्टोन तो है यार, कम ना पड़ जाए बस, मैं ये होप कर रहा हूँ. नहीं पड़ेंगे शायद. अब ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है वैसे, बस मुझे अभी इस पूरे एरिया को भरना है एक्चुअली. तो मेरे पास स्टोन ब्रिक तो है यार सफिशिएंट, मतलब ज़्यादा तो बड़ा स्क्वायर होता नहीं है इसका, रेक्टेंगल बेसिकली. इसको मैं फटाफट से फिलअप कर देता हूँ. ओए ये क्या हो रहा है यार, मकड़ी के ऊपर एक स्केलेटन कैसे बैठ सकता है यार, मतलब पता नहीं ये माइनक्राफ्ट में क्या हो रहा है यार. स्केलेटन बैठता है कभी मकड़ी के ऊपर, कभी ज़ॉम्बीज बैठते हैं. तू यार भाई इधर, तेरे पास एकदम बो खतरनाक है, तो मैं बो तेरे से ले लूँगा. मे बी मिला या नहीं पता नहीं, छोड़ो यार वो मिलेगा तो मिलेगा, मुझे इन्वेंटरी में चेक करना पड़ेगा. बट सबसे पहले देखो इस तरह से हमारा चेंबर तो बन चुका है, और ऊपर का प्लेटफॉर्म भी कुछ इस तरह से लुक में लग रहा है. अभी बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे विलेजर के लिए जगह बनानी है. तो बस ऊपर चलते हैं सबसे पहले, और विलेज के जगह बनाएंगे हम. मतलब अभी देखो वो जो मेरा प्रीवियस वाला आयरन फार्म था ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या उसके अंदर हर जगह पे एक एक विलेजर था. बट यहाँ पे ऐसा नहीं, मैं एक ही एरिया में सभी विलेजर को यहाँ पे रख सकता हूँ. वो काफ़ी अच्छा भी दिखता था यार, मतलब वो वीडियो देखो तुम, मैं प्रेफर करूँगा आप वीडियो देखो, काफ़ी सही वीडियो है वो. तो अभी बस मुझे यहाँ पे चेंबर बनाना है जहाँ पे विलेजर आने वाले. तो जो साइड लंबी है ना, जहाँ पे हमने 5 ब्लॉक का गैप लिया था,
या रेक्टेंगल मान लो, ये रेक्टेंगल है तो इसका जो सबसे बड़ी साइड है ना उसी के साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एरिया बनाना है जहाँ पे विलेज रहेंगे। और ये एरिया हमने 20 विलेजर के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आप 40 विलेजर रखोगे तो एट अ टाइम आपको 4 आयरन गोलम मिलेंगे, बट यार मेरा गेम तो उसमें लैग ही कर जाएगा क्योंकि इतने एंटिटीज हो जाएंगे ना तो गेम बहुत ज्यादा लैग करता है। स्पेशली गाइस लो एंड डिवाइस, बड़े तो डिवाइस तो यार उसको कुछ होता नहीं है कितने भी एंटिटीज लेके आ जाओ, बट लो एंड डिवाइस की मैं बात कर रहा था। तो लगभग दे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो ही चुका है, बस अभी मुझे इस साइड का कवर करना है। इसके अंदर विलेज रहेंगे और ऑफकोर्स हम रेल से लेके आएंगे और ज्यादा दूर है नहीं, इसलिए गाइस मैंने प्रेफर किया कि आयरन फार्म जो है मैं इसी साइड बनाऊंगा, चाहे मुझे चल के आने में थोड़ी दिक्कत हो बट ठीक है यार, इतने तो मेहनत करने की नीड नहीं होगी ना यहाँ पे। अभी बस मुझे यहाँ पे स्टेयर टाइप में एक रास्ता बनाना होगा क्योंकि यहाँ से ही रेल ऊपर आएंगी, तो यहाँ से नीचे उतर के मैं बना सकता हूँ। ओके सही है यार, मतलब काफी दूर तक हम पहुँच सकते हैं हाथ से। तो फाइनली मैं ग्राउंड तक तो पहुंच चुका हूँ। अभी मेरे पास पावर रेल कम है बट नॉर्मल रेल तो मैं बना ही सकता हूँ। पावर रेल के लिए मुझे गोल्ड चाहिए होगा बट गोल्ड मैंने ज़्यादा माइन किया नहीं है। ये देखो यहाँ से मेरी रेल की पूरी पटरी आएगी तो बस मुझे रेल को यहाँ पे बिछाना है। तो फटाफट से गाइस मैं यहाँ पे रेल का काम कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्या चल रहा है तुम्हारा यार, कितने बड़े हो गए यार, मतलब देखो जब हम ऑनलाइन रहते हैं ना ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते, और ये समझ नहीं आ रहा कुछ विलेजर बाहर कैसे आ रहे यार, शायद कुछ ना कुछ तो ग्लिच हो रहा है गाइस यहाँ पे। ये दोनों को तो मैंने बाहर निकाला था बट ये तीसरा जो है ये पता नहीं कैसे बाहर आ गया। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक एक को धक्का देता हूँ, जैसे धक्का दूंगा ये वहाँ पे पहुँचने वाले, कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो हम इसको चेक करते कि भाई सही से जा रहे या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम हो गई ना तो ये वापस भी आ जाते हैं, यही तो परेशानी होती है भाई। तुम पिछले वाला वीडियो देखो मेरा आयरन फार्म का, इतना परेशान हुआ था यार, उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड करा था क्योंकि हुआ था क्योंकि पहली बार बना रहा था उस टाइम पे। ओ यार सही में ये तो रुक गए। अभी मैं ऊपर वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉक कर देता हूँ जिससे ये भागे ना नीचे, वरना जैसे ये माइनकार्ट तोड़ूंगा ना भाई ये 100 की स्पीड से वापस भागना स्टार्ट कर देंगे। और ये एक को तो मैंने पहले ही इधर ट्रांसफर किया था क्योंकि देखना था ना कि मेरी रेल सही से काम कर रही है नहीं, तो ये एक विलेजर तो पहले ही था और ये दूसरा भी आ चुका है। यहाँ से मैंने माइनकार्ट तो कलेक्ट कर लिए भाई, गलती से लग गया यार। और अरे तू बाहर ना, मेरे को जाना था बाहर। ये देखो ऐसे ही परेशान करते हैं, ऐसा मन करता है भाई इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं, बट नहीं यार इसकी तो नीड है अभी, इसको तो मैं मार नहीं सकता हूँ, बट ठीक है ये इधर ही घूमेगा। और मैं बोलता हूँ गाइस ये भागते भागते उस विलेज के साइड में ही आएगा क्योंकि उसका बेड उधर ही है। गाइस अभी तो मेरे को समझ में आ चुका है इनको किस तरह से ट्रांसफर करना है, बट पहले वाला वीडियो देखो गाइस मेरा आयरन फार्म का, भाई साहब मेरी हालत खराब हो गई थी यार, मतलब ये समझ ही नहीं रहे थे। और तुम लोग सुन लो भाई, जो भी परेशान करेगा ना सीधा मरेगा, समझ लो एकदम एक्यूरेटली वहाँ पे पहुँचो, मतलब यार इनको धमकी देना पड़ता है गाइस क्योंकि नहीं सुनते यार ये, इतने नखरे वाले हैं ना, पहले ही क्या बोलूं इनको। चलो इनको भी मैंने भेज दिया है, अभी मुझे इन दोनों को भी वहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि माइनकार्ट मेरे पास 2 या 3 ही माइनकार्ट है, तो मुझे थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा। इसी में तो देर लगी गाइस, इसलिए तो मेरे वीडियो को 2 दिन लगे, इनको ये ट्रांसफर करने में 1-1.5 घंटा लग जाता था तो मैं कहाँ से इतना टाइम दे पाता था, इसलिए मेरे को 2 दिन लगे इसको, बट ठीक है हमने कर लिया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फार्म होता है एक्चुअली आयरन फार्म, और उसी तरह से गोल्ड फार्म भी एक डिफिकल्ट है, ठीक है बट उसको भी हम करेंगे। इसको भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है, अब पता नहीं मैं बाहर कैसे जाऊँगा। अरे यार एक चीज़ तो है, मैं यहाँ से माइनकार्ट में बैठ के तो जा ही सकता हूँ, बस यहाँ पे लगा देता हूँ। देखो मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, वो विलेजर भी नहीं भाग पाता, देखो इसमें बैठ चुका हूँ मैं और कोई नहीं, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ एकदम आराम से। अरे हटो रे, ओके इस तरह से देखो मैं यहाँ से निकल पाऊँगा और जा भी पाऊँगा, इसलिए तो मैंने ऊपर स्टोन ब्रिक लगाए जिससे विलेजर बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसी तरह से मुझे लगभग 20 विलेजर यहाँ से ट्रांसफर करने हैं। अब देखो ब्रीडिंग चाहे मैं यहाँ पे करूँ या आयरन फार्म में करूँ, दोनों तो एक ही पड़ने वाला है, तो यहाँ पे जितने हैं सबसे पहले उनको ट्रांसफर करो। ये गधे को मैं बिठाता हूँ इधर, अबे यार मतलब तेरे को भागने की क्यों कोशिश कर रहा है तू, नीचे उतर नीचे उतर। मैं माइनकार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको माइनकार्ट में बिठाना है बस क्योंकि ये भी ज़रूरत है मुझे, इसको भी मैं भेज देता हूँ बस अभी। ओके एकदम सही निकल, चलो ये निकल चुका है, अभी मैं फटाफट से विलेजर को ट्रांसफर कर देता हूँ गाइस। तो फाइनली ये हमारी आखिरी नाइट होगी यहाँ पे क्योंकि यहाँ का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ से हमें निकलना है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बेड भी लगा दिए। और ये आयरन गोलम कब स्पॉन हुआ यार, मेरे को तो दिखाई नहीं है स्पॉन हुए वाला। और ये महाशय इधर क्या कर रहे हैं यार, अरे भाई तेरे को अंदर जाना है, यही तो दिक्कत होगी गाइस क्योंकि एट अ टाइम 2 ही स्पॉन हो गए, ये नीचे ना गिर जाए बस। ओके मुझे इसको अंदर गिराना होगा क्योंकि एक अगर स्पॉन है तो वो फिर से स्पॉन नहीं होता है, तो मुझे इसको अंदर गिराना ही पड़ेगा। लगभग देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे ओके उस साइड से भी वाटर का फ्लो क्रिएट करना होगा। वैसे वहाँ पे मैंने वाटर का फ्लो क्रिएट किया था गाइस, बट ये जो बेड लगाने थे ना इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगा दिए थे, इसकी वजह से वो जो फ्लो है वो पूरा टूट गया, तो अभी मुझे फिर से यहाँ पे करना होगा। तो बस मुझे कुछ नहीं, यहाँ पे एक ब्लॉक रखना है और एक बाल्टी पानी इसके ऊपर मारना है बस। और अब मुझे नीचे वाला ब्लॉक भी मैं तोड़ सकता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं होगी, जस्ट ये ऐसे ही रखा गया था तो इसको मैं तोड़ देता हूँ अभी। यार ये पानी में तोड़ने में तो दिक्कत होती है, चलो कोई नहीं इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। सेम चीज़ मुझे इस साइड भी करनी है,
तो चलो गाइस फाइनली बोल सकता हूँ कि हमारा फार्म रेडी हो चुका है गाइस। अब कुछ नहीं बचा है, बस मुझे यहाँ पे लीव्स लगाने होंगे, वरना देखो ये कुछ गधे आयरन गोलम जो है ये इधर ही स्पॉन होंगे और ये नीचे नहीं गिरते, हमें धक्का ही देना पड़ता है इसको। तो चला जा भाई नीचे, क्योंकि हमें आयरन की नीड है यार, मतलब इनकी हमें बलि तो देनी पड़ेगी। वैसे यार एक मुझे डाउट आ रहा है यहाँ पे कि देख सकते हो बेड के ऊपर कुछ अलग से इफेक्ट आ रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह के इफेक्ट है। वो ग्रीन कलर का इफेक्ट तो मुझे पता है कि भाई विलेजर ने उस बेड को इक्विप करा होता है, पर जो दूसरा कलर का इफेक्ट आता है वो क्या है समझ नहीं आ रहा है मुझे लिटरली। देखो ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, डर रहे या विलेजर। और ये मेरा भी बेड क्यों लेना है भाई, तुमको तो बेड दिया है और मैंने 20 विलेजर ही रखे हैं अंदर, पर स्टिल पता नहीं कुछ तो लोचा हुआ है। और भाई यहाँ पे तो पूरी मॉब की सेना इकट्ठी हुई है, इनको मुझे ठिकाना लगाना पड़ेगा। और नीचे मैं टॉर्चेस लगाना भूल गया, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। तो मेरे पास ओके ये बो मिला था देखो मुझे उस वाले स्केलेटन से, तो क्रीपर इतना क्रीपर अगर फटा ना तो ये पूरा ब्रेक कर सकता है, इसलिए मैं इसको बो से ही मारूंगा ठीक है। और अरे तू भी मारना है क्या, रुक तेरे को मैं यहाँ से ही मारूंगा। और देखो पिद्दी, पिद्दी तो हमारे विलेज को डरा रहा है तू, इधरा इधरा साले, बहुत फास्ट होता है यार छोटा सा चिरकुट। चेकआउट करते हैं कि इसके अंदर कितने आयरन इग्नेट अभी तक कलेक्ट हुए, 13, मतलब दो आयरन गोलम शायद मरे थे इसकी वजह से मुझे 13 मिले, कोई नहीं। तो गाइज मैंने अभी क्या किया है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया है, इसके इस साइड में मैंने एक रास्ता बनाया जहाँ पे मैं ज़ॉम्बी को रखूँगा, क्योंकि विलेजर जितना ज़्यादा डरेंगे उतने ज़्यादा हमें आयरन गोलम स्पॉन होंगे। अरे ये कहाँ से आ गया यार ऊपर, ये देखो इस तरह से मैंने बस जस्ट रास्ता बनाया था और भाई मुझे ज़ॉम्बी को लेके आने की नीड ही नहीं है, ये खुद ही आ गया ऊपर, क्योंकि उस साइड से मैंने ग्लासेस लगा दिए। अब मैं इसको ऊपर वाली छत भी कवर कर देता हूँ, वरना डे हो जाएगा तो ये ज़ॉम्बी मर जाएगा। बट एक बात है गाइस, मैं जब प्रीवियस में आयरन फार्म बनाया था ना उस टाइम पे मैं ज़ॉम्बी का यूज़ नहीं कर रहा था, उस टाइम मैं यूज़ कर रहा था विलेजर का, क्योंकि जैसी रेड होती थी गाइस इतने ज़्यादा डरते थे विलेजर, तो उसमें जो है आयरन गोलम बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन होते। तो ठीक है अभी तो विलेजर की कोई मुझे दिखे ही नहीं, मतलब जो उनका बॉस होता है वो तो मिला ही नहीं रेड करने के लिए। ठीक है तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि अभी तक कितने इसमें आयरन इग्नेट इकट्ठा हुए। वेल एक स्टैक तो भर चुका है और ये 22, मतलब काफ़ी ज़्यादा आयरन यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे देखो नीचे से भी ज़ॉम्बीज़ उनको डरा रहे हैं और ये देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों, तो इन दोनों को भी मैं अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो और ये कौन मार रहा है यार, रुक जाओ यार मेरी हेल्थ कम है। चलो कोई नहीं, मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये था देखो स्केलेटन। और ये यहाँ पे क्यों स्पॉन हुआ है तभी मैं बोलूँ कि आयरन गोलम स्पॉन क्यों नहीं हो रहे, ऐसे यहाँ पे अगर ये अटक जाते हैं ना गाइस तो कोई स्पॉन ही नहीं होता है। तो इसको मैं तोड़ देता हूँ जिससे ये दोनों अंदर चले जाए, अंदर जाओ अंदर जाओ। बट इन ज़ॉम्बी ने मेरा काम आसान कर दिया, वरना मुझे इन दोनों को लेके आना पड़ता मेरे पीछे लगाकर। बट ठीक है सबसे पहले डे कर लो, नाइट हो चुकी है, फिर बाद में देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो अभी मैं इनको लॉक कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर से कूद के भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वॉल लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लासेस से विलेजर को ढका है जिससे विलेजर को डैमेज ना पहुँचे। और ये दोनों कहाँ पे स्पॉन हो गए यार, ये देखो आयरन गोलम की वही दिक्कत है यार, ये इसके ऊपर स्पॉन हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक स्लैब की छत बनानी पड़ेगी क्योंकि स्लैब पे वो स्पॉन नहीं होते, तो मैंने इन दोनों को तो गिरा दिया है अभी। तो हमारा आयरन फार्म जो है एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है गाइस, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमें भर भर के आयरन मिलने वाला है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अपने वीडियो को शेयर जरूर करना यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।